ये गैर मुल्की मुदाखलत जो है इसका खात्मा होना चाहिए। हाथकंडे आजमाए जाते हैं भारत की जानिब से, उनको भी बंद होना चाहिए। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी तो अब कश्मीर लेना था ना इन्हें हमारे पठान भाइयों ने, तालिबान ने, ये कश्मीर लेके देंगे आपको। आरएसएस की जो कारिंदे हैं फैले हुए पूरे भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वो हमारे वजीर खारजा के खिलाफ बाहर निकल आए हैं, उनके सर की कीमत लगा दी गई है। क्योंकि बिलावल भुट्टो भी आजकल बस यही बता रहे हैं कि उनके सर की कीमत लग गई है इंडिया में 2 करोड़। भारत जाकर के इन्होंने पता नहीं कौन गधा था जिसने इनको 2 करोड़ रुपए, भाई 200 रुपए के, 200 रुपए से ज्यादा के मुस्तहिक नहीं है, 2 करोड़ रुपए कीमत रख दी। मोदी को एक बयान में गाली ले दी तो बड़ा वो हीरो बन गए, वो अहमकों के लिए होंगे, मेरे लिए तो वो वही हैं, मेरे लिए तो ये गासिब हैं, मेरे लिए तो ये जाबिर हैं, मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि जो अवाम का खून चूसने पे यकीन रखते हैं। ये सारे ये जो आपके हीरो नेशनल हीरो सारे यही हैं, ये गजनवी, ये बाबर, ये सारे इधर से ही आए थे। गुज़श्ता हफ्तों चमन बॉर्डर पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की पाकिस्तानी शहरी आबादी को 2 बार निशाना बनाया गया, जिसमें 6 शहरियों की शहादतें भी हुई। सारी दुनिया यहाँ वॉशिंगटन डीसी में हंस रही है कि एंटी टेररिज्म सेंटर ही किडनैप हो गया है। इन्होंने टेररिज्म को किस तरह बचाना है, किस तरह टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे जब अपना सेंटर मेंटेन नहीं कर सकते। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जब इक्तदार संभाला तो उसके बाद बार बार ये यकीन दहानियां कराई गई थी कि अफगान सरजमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। अनबिलीवेबल, आरजू मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसूं और उसके बाद रोऊं फिर दिल खोल के। ये मेरे इस वक्त सेंटीमेंट्स है आपके बारे में। 4 कंट्रीज के साथ आपका बॉर्डर है, चारों के साथ दुश्मनी है, ये फॉरेन पॉलिसी। और दुनिया से आप मांगते हैं, आगे से दुनिया हंसती है। अब ये हालत ये आपकी फॉरेन पॉलिसी कि आप मांगते हैं वो हंसते हैं आगे से, तो फॉरेन पॉलिसी तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। 4 पड़ोसियों के साथ दुश्मनी और जहां खैरात मांगने जाए वो आगे से हंसे, तो फॉरेन पॉलिसी ये है। और फाइनेंशियल पॉलिसी ये है कि आपके पास $25 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है। 417 कंटेनर कराची में सब्जियों के गल सड़ गए हैं, गाड़ियां यहां बनती थी आज उनके प्लांट भी बंद हो रहे हैं। डिस्प्रीन आपको सरदर्द की दवाई कोटे में मिल रही है पर एक पत्ता एक पेशेंट के लिए, तो आप कहते हैं कि दिस इज इकॉनमी। आरजू आप भी मजाक करती कैसे, अनबिलीवेबल। आरजू मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसूं और उसके बाद रोऊं फिर दिल खोल के। ये मेरे इस वक्त सेंटीमेंट्स है आपके बारे में। मैंने तो आपको बहुत कहा था कि मुर्गियां ले लें, बकरियां ले लें और घास वास स्टोर कर लें, सर्दियां आ रही हैं। और एक यूट्यूब पे वीडियो देखा करें कि लोग ऊपर सियाचिन के पास किस तरह रहते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ सर्वाइवल किस तरह है, पानी कहाँ से, हो सकता है आपको कुछ 10 मील चल के जाके पानी लाना पड़ जाए करें चश्मों से। सर हमें तो वो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो हम घास खाने की जगह पहुंच गए। तो घास ही खा रहे हैं आप और क्या खा रहे हैं। जो मैंने बताया सब्जियों को तो 417 कंटेनर तो वापस जा रहे हैं जहां से आए थे। अब आपके एरिया में तो घास भी बहुत है, लोग सिंध में और बलोचिस्तान में क्या खाएंगे, मुझे तो उनकी फिक्र है। इस्लामाबाद तो बहुत हरा भरा लेकिन आरजू ऐसे मैं हैरान हूँ, एक भी टीवी चैनल जो है वो इकॉनमी पे बात कर रहा हो, एक भी टीवी चैनल। सबके सब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उसके बाद पंजाब डिस्कस हो रहा है। तो आरजू कभी आपने नोट किया है, आपने, मैंने मैंने मैं नोट आजकल कर रहा हूं बड़ा इस चीज को कि जब ये 16 दिसंबर आया बांग्लादेश का जब सपूते ढाका, तो उसमें जो मैंने पुरानी सारी वीडियो चलाई देखी, बीबीसी ने भी यहां तक चलाई ऐसी जिसमें उन्होंने इमेज यही दिया था कि इसको गिराने वाले पंजाबी थे, तो सडनली मेरे जहन में ख्याल आया कि अगले दिन जो हमारे जो मिलिट्री चीफ बने हैं, जो 5-6 नाम थे वो जनरलों में से जिनमें से 2 पिक करने थे वो सारे के सारे पंजाबी थे, कोई बलोची सिंधी नहीं था उसमें कोई आर्मी जनरल। क्या ये इत्तेफाक है या ये कैसे ऐसे हो गया? सर मैंने तो सुना कि सिंधी वैसे भी फौज में नहीं जाते, कम जाते हैं बहुत, सुना है, पता गलती से, हो सकता है कोई गलती से ही आ गया हो सकता है ना, कोई बलोची आ जाए, कोई पठान आ जाए। मैं ये सोच रहा था अगले दिन बैठ के भाई यार हाउ इट इज पॉसिबल कि 4 सूबे हैं, 7-6 लाख फौज है, तो जो सारे काम आए ऊपर सारे पंजाबी, ये क्या चक्कर? सियासतदान में देखता हूं वो भी सारे पंजाबी नजर आ रहे हैं आसपास, दूसरे किधर गए हैं? दूसरे लस्सी पी के सोए पड़े सूबे सारे, नहीं सर डोमिनेट कर रहे हैं ना पंजाब बाकी सबको।
चलें फिर एक रीजन ये भी आगे नहीं आने दे रहे किसी को, ये भी कहा जाता है इसी वजह से, सबसे बड़ा सूबा ही पंजाब है सर, तो कैसे आगे आने देंगे। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान है, आबादी के लिहाज से, लोग आबादी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान पंजाब, और फ्रॉड के लिहाज से सबसे बड़ा पंजाब, इसमें कुछ नहीं, दो नंबर ही में बहुत आगे, और फ्रॉड में आगे है सूबा आपका बलोचिस्तान वैसे उसके लिहाज से, आबादी के लिहाज से। क्या होता है और आगे इमरान खान की ये ऑडियो लीक वीडियो लीक कब तक चलती रहेंगी, और देखते हैं कि पंजाब में कल क्या होता है, कौन से चेंजेस आते हैं, कुछ बेहतरी आती है या नहीं, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी आजकल बस यही बता रहे हैं कि उनके सर की कीमत लग गई है इंडिया में 2 करोड़। बिल्कुल, बीबीसी पे भी आ चुका है, आज सुबह हुई बात आई उनके सर के ऊपर कीमत लगा दी, बहुत फालतू के पैसे इंडिया के पास आ गए, 2 करोड़ इनके सर की कीमत लगा दी। लेकिन ये कि ज्यादती की उन्होंने भी, जिसने भी किया, देखिए सिंबलाइज होता है ना, सिंबलाइज पर इंडिविजुअली किसी ने किया, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, नहीं गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, उसके इंडिविजुअल को भी चाहिए, सुना बीजेपी से रिलेटेड है बंदा ये, दिस इज हाउ आई रेड इट अबाउट, गवर्नमेंट से तो नहीं लेकिन बीजेपी का था और यूपी से था, और यूपी के अंदर ही जुलूस भी निकला है मेरे ख्याल में, लेकिन उनको चाहिए था कि फिर बाद में लोग कहते हैं कि यार यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, आप भी वहां एक्सट्रीमिज्म के बारे में सोचते हैं। मामला एक बड़ा अहम सामने आया और जाहिर है कि बहुत ही ज़्यादा तश्वीशनाक खबर भी है कि बच्चियों के स्कूल्स तो बंद ही थे, तालीम पर पाबंदी ही थी, लेकिन अब जामियात कॉलेजेस जो आला तालीम है ख्वातीन की, उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मैं सर यकीनन चाहूँगी कि इस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करें, लेकिन आज पाकिस्तान के हवाले से जो एक अहम बयान सामने आया वो एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से सामने आया, कितना अहम है ये बयान ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, उनका आवाज़ उठाए जाना जो दहशतगर्दी के वाकयात अफगानिस्तान से हो रहे हैं, और फिर कितना अहम है ये उस तनाजुर में कि हम ये उम्मीद कर सकें कि उनके इस बयान के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में कुछ कमी आएगी जो अफगानिस्तान से हो रहे हैं पाकिस्तान की जानिब। जी बिल्कुल आसमा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये हम वही कह सकते हैं कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आज जो समंगान में हुआ ईरान के साथ, तो उनको क्यों शिकायत है फिर तालिबान की आदत से, इससे पहले उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे जो कुछ होता रहे तिरमीज और आसपास के जो सरहदी इलाके हैं उनको क्यों शिकायत है, ताजिकिस्तान को वाखान बॉर्डर पे क्यों शिकायत है, रूस क्यों कर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और जो सेंट्रल एशियाई ममालिक जो बफर जोन का किरदार अदा कर रहे हैं रूस और अफगानिस्तान के बीच में, वहाँ पे क्यों मुसलसल अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, चाइनीज जो वहाँ पे मौजूद है चाइनीज गवर्नमेंट क्यों तशवीश में मुब्तला है, और उस एरिया को क्यों अटैक किया गया जहाँ पे काबुल के एक पोश एरिया में चाइनीज आबाद है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम बातें और ये तमाम इशारे जो हैं तालिबान के आदत के मौकफ की तरदीद करते हैं, जिसमें वो बार बार हमें यही कह रहे होते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पड़ोसी और दोस्त ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो।